डेरिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ के भी तुम 80 में से 70 ला सकते हैं यार। आधे बच्चों ने छोड़ दिया था। मेरे इंटीग्रेशन के महारिजन में मुझे अभी भी याद है कि बहुत कम बच्चे थे, जबकि लॉजिक के महारिजन में बहुत बच्चे थे। तो मुझे समझ में आया था कि इंटीग्रेशन बहुत से बच्चे ने, तो वो बोर्ड के लिए था। MSTCET में ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि जो 12वीं के 40 क्वेश्चन आएंगे वो कौन से चैप्टर से आएंगे। 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में से लॉजिक में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 1 ही क्वेश्चन। समझ आ रहा है? मैट्राइसिस से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन कौन। 11th के चैप्टर्स में से 1-1 क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से, किसी किसी चैप्टर में से कभी कभी आते भी नहीं, ऐसा भी होता है। और पेपर जब एग्जाम में बच्चे जाते हैं ना, तो सिर्फ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर लाइन प्लेन वेक्टर, जो आपने छोड़ा हुआ रहता है ना वही सब आता है। तो जिसने 12th अच्छे से नहीं किया है, छोड़ छोड़ के, उसको बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सीखना है, करना पड़ेगा भाई, चलेगा नहीं। यस।